दिल डरता है अब शिकायतें करने से, क्योंकि लोग गलती सुधारने की जगह छोड़ना ज्यादा बेहतर समझते हैं। एक बार संभल जाने के बाद खुद से यह वादा जरूर करना कि दोबारा किसी के लिए खुद को खोने नहीं दोगे। उन लोगों से दूर हो जाओ जो आपको वो बनाना चाहते हैं जो आप वास्तव में हो ही नहीं। लोगों से प्यार करो चीजों से नहीं, चीजों का इस्तेमाल करो लोगों का नहीं। गीता में लिखा है, अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। ये जिंदगी कुछ भी मुफ्त में नहीं सिखाती, हर सबक की एक मोटी कीमत ये वसूल ही लेती है। खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए, ना कि दूसरों के आगे खुद को साबित करने पर। किसी को भी हाँ बोलने से पहले ये जरूर पक्का कर लेना कि कहीं आप खुद को ना बोलकर सामने वाले को हाँ तो नहीं बोल रहे। उन लोगों के करीब रहिए जो आपके लिए सब चाहते हैं, उनके करीब नहीं जो आपसे सब चाहते हैं। आप अच्छे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्यार ज्यादा मिलेगा, बल्कि आपका इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा। अगर तुम्हें दुख मिल रहा है तो इसका कारण यह नहीं कि तुमने कुछ गलत किया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा सबके प्रति अच्छा होना भी तुम्हें कष्ट दे सकता है। भरोसा कांच जैसा होता है, एक बार टूटने के बाद ये पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। ये दर्द लोगों को बदल देता है। कुछ लोग दर्द के चलते चिड़चिड़े हो जाते हैं तो कुछ खामोश। अकेले रह लीजिए लेकिन उनके साथ मत रहिए जो आपको महत्व नहीं देते। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। जमाना उस मोड़ पर आ पहुंचा है, जिस इंसान की दिल से मदद करने की सोचो वही इंसान पीछे से वार कर देता है। अगर तुम दूसरों को कामयाब होते देख सकते हो तो शायद तुमसे बड़ा कामयाब इंसान कोई नहीं है। लोगों की बातों को अपने ऊपर बोझ बनाकर डालोगे तो उनके नीचे दब जाओगे। बेहतर यही है कि उनकी बातों पर पांव रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यकीनन एक दिन ऊंचाई पर पहुंच ही जाओगे। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, 1 स्वीकार करो, 2 बदल दो और 3 या फिर छोड़ दो। उन लोगों को चुने जो आपको चुनते हैं। जिंदगी जीने का ये भी एक बेहतरीन तरीका है। नकारात्मक लोगों से सदैव दूर रहे, वो समस्या के समाधान में भी समस्या ढूंढ सकते हैं। उन लोगों को कभी नजरअंदाज ना करें जो आपकी जिंदगी में बने रहने की सदैव कोशिश करते हैं। अकेला रहने वाला इंसान किसी का दिल जीते या ना जीते पर किसी का दिल कभी नहीं दुखाएगा। मानो या ना मानो हमारी हर तकलीफ की जर केवल और केवल लगाव ही है। कुछ लोग आपके लफ्जों को नहीं समझ पाएंगे और कुछ लोगों को आपको समझने के लिए लफ्जों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही जिंदगी है। यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। हालात सब कुछ बदलना जानते हैं। वक्त बता देता है कि कौन अपना हकीकत में अपना है। जैसे पापा नहीं बताते वो परेशान क्यों है, वैसे ही एक उम्र के बाद बच्चे भी नहीं बताते वो उदास क्यों है। एक सच्चे दोस्त वो होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। साइकोलॉजी के अनुसार दुख अधिक तब होता है जब प्रेम की पहल भी उसी ने की हो, प्रेम का एहसास भी उसी ने, प्रेम करना भी उसी ने ही सिखाया हो। फिर जब तुम पूरी तरह उसके हो जाओ, उसके प्रेम से कभी निकलने ना चाहे, ऐसी स्थिति में वह तुम्हें छोड़ कर जाए तो दुनिया वहीं थम जाती है।